गुल्ली और सोनाज अपने घर के बाहर बैठकर ये सोच रहे हैं कि कल बुल्ली का बर्थडे है, तो ये लोग कल बुल्ली के बर्थडे में क्या क्या करेंगे और बुल्ली का बर्थडे किस तरह से मनाएंगे। लेकिन गुल्ली और सोन बुल्ली के बर्थडे के लिए जो भी करेंगे उसके बारे में ये लोग बुल्ली को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसका मतलब बर्थडे पार्टी बुल्ली के लिए सरप्राइज रहने वाला है। अरे गुल्ली, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक बुल्ली घर क्यों नहीं आया, रात के 9 बज चुके हैं, वो कितना काम करता है दिन भर। गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम बुल्ली के बारे में सोचना बंद करो, वो तो आ जाएगा, लेकिन तुम बस ये याद रखो कि बुल्ली के बर्थडे के बारे में बुल्ली को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। गुल्ली की बात सुनते ही सोन कहता है, हाँ हाँ गुल्ली तुम चिंता मत करो, मैं बुल्ली को बर्थडे के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। इधर बुल्ली आज अपने शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर करने के लिए जा रहा है, लेकिन बुल्ली को ये पिज्जा डिलीवर करने के लिए अपने घर के रास्ते से होकर जाना होगा। बुल्ली को तो ये पता भी नहीं है कि गुल्ली और सोन इसके बर्थडे के लिए क्या क्या प्लान बना रहे हैं। बुल्ली तो बस अपने मन में ये सोच रहा है कि कल ये गुल्ली और सोन को बिना बताए अपने बर्थडे के लिए एक बड़ा वाला केक मंगवाएगा, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सब सोचते सोचते बुल्ली अपने घर के बहुत पास आ जाता है, लेकिन बुल्ली को ये पिज्जा डिलीवर करने के लिए बहुत दूर के जंगलों के पास जाना है। बस एक बार जल्दी से बुल्ली इस पिज्जे को डिलीवर कर दे, उसके बाद ये अपने घर जाएगा और घर जाकर प्लान बनाएगा कि कल ये अपना बर्थडे पार्टी किस तरह से मनाएगा। इधर गुल्ली बुल्ली के घर पे रॉड आया है, क्योंकि गुल्ली और सोन को रॉड से कुछ काम था, इसलिए उन्होंने कॉल के रॉड को अपने घर पे बुलाया है। जैसे ही रॉड घर के पास पहुंचता है, तभी गुल्ली और सोन रॉड को देख लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद रॉड गुल्ली और सोन के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे गुल्ली तुमने मुझे अभी यहाँ क्यों बुलाया है, तुम्हें मुझसे अभी क्या काम है। गुल्ली कहता है, हाँ रॉड मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, कल बुल्ली का बर्थडे है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कल तुम हमारे घर एक बड़ा वाला केक लेकर आओ, और हाँ कल शाम के 5 बजे ही तुम हमारे घर आ जाना, क्योंकि हमें बर्थडे की तैयारियां भी करनी है, और ये ध्यान रखना कि बुल्ली के बर्थडे के बारे में बुल्ली को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। अरे गुल्ली तुम चिंता मत करो, बुल्ली को उसके बर्थडे पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं उसे कुछ बताऊंगा ही नहीं। अभी इधर रॉड और गुल्ली आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बुल्ली आ जाता है। अपने घर के पास आते ही बुल्ली गाड़ी को रोककर घर की तरफ देखने लग जाता है। तभी बुल्ली देखता है कि घर पे तो रॉड आया हुआ है, लेकिन रॉड इस समय हमारे घर पे क्या कर रहा है। तभी बुल्ली रॉड से कहता है कि अरे रॉड सब कुछ ठीक है ना, तुम इस समय हमारे घर पे क्या कर रहे हो। अरे बुल्ली चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे घर आया था, और वैसे तुम घर के बाहर क्यों खड़े हो गए, घर के अंदर आ जाओ, सोच क्या रहे हो। नहीं नहीं रॉड, मैं अभी घर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे ये पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाना है, मैं पहले पिज्जा डिलीवर कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं घर आऊंगा, वैसे तुम मेरे पास आओ तो मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। रॉड कहता है, हाँ हाँ बुल्ली तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर रॉड बुल्ली की तरफ जाने लग जाता है। बताओ बुल्ली मैं आ गया, तुम्हें मुझसे क्या काम है। गुल्ली कहता है, हाँ रॉड मुझे तुम्हें ये बताना है कि कल मेरा बर्थडे है, तो तुम कल एक बड़ा वाला केक लेकर हमारे घर आना, लेकिन एक बात याद रखना कि बर्थडे पार्टी के बारे में गुल्ली और सोन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बुल्ली तुम चिंता मत करो, मैं गुल्ली और सोन को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अब तुम जाओ, तुम्हें तो पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाना है ना, कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है रॉड मैं पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाता हूँ, लेकिन तुम याद रखना जो मैंने कहा है। इतना कहकर बुल्ली पिज्जा डिलीवर करने के लिए चला जाता है। बुल्ली के जाते ही गुल्ली और सोन ये सोचने लगते हैं कि बुल्ली ने ऐसा क्या कहा रॉड से। तभी रॉड चलते हुए गुल्ली और सोन के पास आने लग जाता है। अरे गुल्ली, बुल्ली को तो अपना बर्थडे याद है, वो मुझसे कह रहा था कि कल उसे एक बड़ा वाला केक चाहिए, क्योंकि वो बर्थडे पार्टी करेगा, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कल तुम्हारा केक लाऊं या फिर बुल्ली का। ये तुम क्या कह रहे हो रॉड, बुल्ली को अपना बर्थडे याद है, मुझे तो लगा था कि वो इस बार अपना बर्थडे भूल गया है, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी अपना बर्थडे नहीं भूला है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब हम लोग बुल्ली को बर्थडे सरप्राइज कैसे देंगे, सोन तुम ही कुछ बताओ। सोन कहता है, अरे गुल्ली तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों ने बुल्ली के बर्थडे पार्टी के लिए सारा सामान पहले ही ले आया है, बस केक ही बाकी है और वो तो रॉड ले आएगा, तो देखो हमें करना क्या है, अभी बुल्ली पिज्जा डिलीवर करने के लिए गया है, जैसे ही बुल्ली घर आकर रात को सोएगा तो बुल्ली के सोते ही हम लोग घर को रात को ही सजा देंगे, और जैसे ही बुल्ली सुबह उठेगा तो वो घर को सजा हुआ देखकर खुश हो जाएगा, और बुल्ली ये समझ जाएगा कि हम लोगों ने उसे बर्थडे सरप्राइज दिया है। और रही बात केक की, तो केक तो हम लोग शाम को भी बुल्ली से कटवा सकते हैं। अरे वाह सोन, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, कहाँ से लाते हो तुम अपने पास इतना दिमाग। अरे वो क्या है ना गुल्ली, की मैं हर दिन नहाता हूँ, इसलिए मेरा दिमाग तेज है। ठीक है तो गुल्ली, अगर मेरा काम हो गया है तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। गुल्ली कहता है, ठीक है रॉड अब तुम अपने घर चले जाओ, और कल शाम 5 बजे केक लेकर आ जाना, वैसे चिंता मत करो हम लोग तुम्हें कॉल कर देंगे। गुल्ली की ये बात सुनते ही रॉड यहाँ से अपने घर जाने लग जाता है। रॉड के जाने के बाद गुल्ली और सोन ये सोचने लग जाते हैं कि कल रॉड किस तरह का केक लेकर आएगा। इधर बुल्ली उस घर के जंगलों के पास आ चुका है जिस घर में बुल्ली को पिज्जा डिलीवर करना है। बुल्ली अभी जिस रास्ते से पिज्जा डिलीवर करने के लिए जा रहा है ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, बुल्ली को थोड़ा संभल कर जाना होगा। और फिर कुछ ही देर में बुल्ली उस घर के पास आ जाता है जिस घर में बुल्ली को पिज्जा डिलीवर करना है। बुल्ली जैसे जैसे घर के पास आता है तभी बुल्ली को याद आता है कि अरे ये तो ग्रेनी का घर है, लेकिन ग्रेनी का घर इतना सजा हुआ क्यों है, आज यहाँ कहीं किसी का अड्डे बड्डे टू यू तो नहीं होने वाला है।
थोड़ी देर तक घर को देखने के बाद बुल्ली स्कूटर को ऑफ करके स्टैंड पे लगाता है। तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और ग्रैंडपा घर से बाहर आते हैं। बुल्ली ग्रैंडपा को अचानक से देखकर डर जाता है। तभी ग्रैंडपा बुल्ली की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ग्रैंडपा ऐसे देख क्या रहे हैं, मैं ये पिज्जा डिलीवर करने के लिए आया हूँ, क्या ये आपका है? हाँ बुल्ली, ये पिज्जा मेरा ही है और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि पिज्जा लेकर तुम ही आने वाले हो। बुल्ली कहता है, लेकिन ग्रैंडपा आपको कैसे पता था कि पिज्जा लेकर मैं ही आऊंगा? अरे वो क्या है ना बुल्ली, कि तुम्हारा जो बॉस है ना वो मेरा दोस्त है और उसने मुझे बताया था कि रात के 8 बजते ही सारे डिलीवरी बॉय अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही रात को देर तक काम करते हो और अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं, इसलिए मुझे पता था कि पिज्जा डिलीवरी करने के लिए तुम ही आओगे। ग्रैंडपा की बातें सुनते ही बुल्ली कहता है, अच्छा तो ग्रैंडपा अब ये पिज्जा आप अपने घर ले जाइए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे कैसे बुल्ली, तुम मेरे दूसरे घर पे पहली बार आए हो तो तुम्हें चाय नाश्ता तो करके ही जाना होगा। बुल्ली कहता है, नहीं ग्रैंडपा, मुझे इस टाइम पे चाय नाश्ता नहीं करना है और ना ही मैं आपके घर के अंदर जाऊंगा क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, क्या पता कहीं आप मुझे घर के अंदर ले जाकर किडनैप ना कर ले। अरे बुल्ली तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझे अच्छा इंसान नहीं समझते हो? माना कि मैं पहले अच्छा आदमी नहीं था लेकिन अब मैं अच्छा मनुष्य बन चुका हूँ, देखो देखो मेरे कपड़े भी अच्छे हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अगर तुम्हें चाय नाश्ता नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बस मेरा एक काम कर दो, ये पिज्जा उठाकर मेरे रूम में रख दो, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे लिए। ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद बुल्ली को ऐसा लगता है कि अब ग्रैंडपा अच्छे इंसान बन चुके हैं, इसलिए बुल्ली पिज्जा रखने के लिए ग्रैंडपा के रूम में जाने का फैसला करता है। लेकिन पता नहीं बुल्ली ने यह फैसला सही लिया है या गलत। बुल्ली के आगे बढ़ते ही ग्रैंडपा घर के अंदर चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद बुल्ली भी घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर आते ही बुल्ली और ग्रैंडपा एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे ग्रैंडपा खड़े क्या है, बताइए इस पिज्जे को कहाँ रखना है? हाँ हाँ बुल्ली अभी बताता हूँ। इतना कहकर ग्रैंडपा इधर उधर देखने लग जाते हैं और फिर कहते हैं, अरे बुल्ली तुम ये सामने वाले रूम में जाकर पिज्जा रख दो। ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद बुल्ली सामने वाले रूम की तरफ देखने लग जाता है और फिर बुल्ली इधर उधर भी देखने लग जाता है क्योंकि बुल्ली को इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए बुल्ली को इस घर से जल्द ही बाहर निकल जाना चाहिए। ये सोचकर बुल्ली तुरंत ही पिज्जा रखने के लिए रूम के अंदर जाने लग जाता है। बुल्ली जैसे जैसे रूम की तरफ जा रहा था वैसे वैसे ग्रैंडपा बुल्ली को देखते ही जा रहे थे और फिर तभी यार ये क्या, ग्रैंडपा तो आगे बढ़ने लग गए और जैसे ही बुल्ली रूम के अंदर गया तभी बाहर से ग्रैंडपा ने रूम का दरवाजा ही लॉक कर दिया और बुल्ली रूम के अंदर ही फंस गया। और तभी यार ये क्या, यहाँ तो ग्रैनी आ गई, इसका मतलब बुल्ली को रूम के अंदर बंद करना ग्रैनी और ग्रैंडपा की कोई चाल थी, लेकिन अब ये लोग बुल्ली के साथ क्या करने वाले हैं? और इधर बुल्ली रूम के अंदर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बुल्ली से दरवाजा खुल ही नहीं रहा है क्योंकि दरवाजा तो बाहर से लॉक है और बुल्ली जिस रूम में फंसा हुआ है उस रूम से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कल बुल्ली का बर्थडे है और आज बुल्ली इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्या बुल्ली कल अपना बर्थडे मना पाएगा? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने मिलकर बुल्ली को रूम में बंद क्यों किया और अब ये लोग बुल्ली के साथ क्या करने वाले हैं? तो ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट टू में। पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि आप लोगों ने इस ग्रैनी के घर को ग्रैनी गेम के किस चैप्टर में देखा है। और साथ ही साथ ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।